कोरोना के बढ़ते संक्रमण केस के बीच अब राहत भरी खबर है कि लगातार मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में भी अब लगभग सभी बेड खाली हो चुके हैं, लेकिन कोरोना काल के दो माह बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय के भगवान यानी के चिकित्सकों ने दिन रात ड्यूटी पर रहकर कोरोना का डटकर मुकाबला कर आखिरकार कोरोना पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के विकराल रूप और भयानक स्थितियों में भी चिकित्सालय में डॉक्टर महेंद्र चौधरी और डॉक्टर ए के सोनी ने अपनी सराहनीय सेवाएं देकर मरीजों का इलाज किया। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले साल मार्च से कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में सरहदी बाड़मेर में कई डॉक्टर कोरोना योद्धा बनकर देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र चौधरी और डॉक्टर ए के सोनी भी ऐसे ही योद्धा हैं जो इस विकट घड़ी में मजबूती से मोर्चे पर डटे हैं और जोश और जुनून के साथ फर्ज निभा रहे हैं। वे पिछले साल भी संक्रमितों की सेवा में दिन रात एक किए हुए नजर आते थे और इस साल भी पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। वे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जिले के हालात पूरी तरह से 0% पर नहीं आ जाते तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। इस कठिन समय के दौरान काम पर रहने के महत्व से अवगत है और जानते हैं कि इस मुश्किल में आपातकालीन सेवाओं की कितनी आवश्यकता है। वायरस के खतरे को रोकने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है, हमारी भूमिका इस कोशिश में केवल एक छोटा सा हिस्सा है। डॉक्टर महेंद्र चौधरी की ड्यूटी जिला अस्पताल के सबसे खास चिकित्सा वार्ड शिशु वार्ड में लगी हुई थी। वह वहां की बागडोर संभालने वाले डॉक्टर अमित सांडिल्य के साथ महीनों से इस वार्ड में मासूम मरीजों के इलाज के काम को संभाले हुए थे। वहीं डॉक्टर ए के सोनी की ड्यूटी गायनिक वार्ड में लगी हुई थी। दोनों ही डॉक्टरों ने बाड़मेर जिला अस्पताल के वह हालात देखे हैं जब हर दिन लोग कोरोना की वजह से रोज डर को बढ़ते हुए देख रहे थे। बच्चों और महिलाओं को इलाज के अभाव में नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसे में पड़ोस के कोरोना वार्डों में दम तोड़ रहे मरीजों के दौर में वह वक्त भी था जब बेड के अभाव में फर्श पर लोगों के इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इन हालातों में डॉक्टर महेंद्र चौधरी की ड्यूटी कई दिनों तक आपातकालीन वार्ड में भी लगी थी। वह कई रात बिना सोए लगातार भी काम करते नजर आए तो कई मर्तबा वक्त पर खाना भी नसीब नहीं हुआ। बावजूद इसके यह दोनों कोरोना के युद्ध में डटे रहे। डॉक्टर ए के सोनी के मुताबिक कोविड-19 के काल के कई नाजुक दौरों को उन्होंने देखा है, ऐसे में यहाँ और भी मुस्तैदी जरूरी थी। डॉक्टर महेंद्र चौधरी बताते हैं कि हम मानव सेवा कर रहे हैं और यह सेवा हमें प्रतिबद्धता के साथ काम करने की ताकत देती है। कोविड के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा, तीसरी लहर को देखते हुए सभी को पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। वैक्सीन से ही महामारी से निजात मिल सकती है, वैक्सीन लेने वालों को भी अभी सतर्क रहना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का सभी को गंभीरता से पालन करना होगा, तभी हमारा बाड़मेर जीतेगा। ये जो दो महीने अभी पिछले जो कोरोना की जो लहर यहाँ पे जो थी, उसका जो अनुभव है ये बहुत ही बुरा अनुभव रहा था और बहुत कठिन समय था सबके लिए, हम लोगों के लिए, जनता के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत कठिन समय था। जो द्वितीय लहर आई थी वो अचानक आई थी और उसमें जितने लोग जो मतलब जो है बीमारी से ग्रसित हुए उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर थी वो भी ज़्यादा थी। इस प्रकार का अनुभव पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। यह एक महामारी है जो अपन लोग पहले सुनते थे, वास्तव में ये महामारी अपन लोगों ने अनुभव की थी। इसमें जो रोगियाँ लगी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी और काम था वो भी काफ़ी कठिन था, लेकिन जितना हम लोगों से हुआ हमने ईमानदारी से जो है मरीजों की सेवा करने का वो काम करने की कोशिश की। तीसरी लहर भी की संभावना है, उसके लिए कितनी तैयारी कर रखी है? तीसरी लहर आ रही है, जिस प्रकार से द्वितीय लहर अचानक आ गई इसलिए तीसरी लहर आ रही है, ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है। नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपन को इसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रथम लहर से द्वितीय लहर जो खतरनाक थी तो तृतीय लहर यदि आती है तो नो डाउट वो इससे ज़्यादा खतरनाक होगी, इसलिए अपन सबको इसके लिए पहले से तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोरोना काल का अनुभव एक अपने आप में नया अनुभव था, जो नई बीमारी थी जिसने पूरे सभी जानते हैं पूरे विश्व को चपेट में लिया और एक लहर फिर उसके बाद लगातार कुछ रुक के दूसरी लहर। पहली लहर हालांकि थोड़ी माइल्ड थी, हल्की थी, उसने ज़्यादा चिंतित नहीं किया, लेकिन सेकंड लहर ने जवान लोगों को और
गंभीर ज़्यादा किया गया। इससे क्या है कि उसके लिए मैं इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं थी, हमारे सेकंड लहर के लिए इतनी तैयारी नहीं थी, पहले से इतनी तैयारी नहीं थी, ऑक्सीजन दवाइयाँ इतनी तैयारी नहीं थी, इतना अनुमान भी नहीं था कि सेकंड लहर आएगी। लेकिन अब सेकंड लहर क्या जब आई गई तो हमने उसके उसमें पूरा अपने आप को झोंक के सारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने मतलब दूसरे डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से अपने आप को झोंक के इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति पाई। उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और सभी ने पूरा प्रयास किया, आप लोगों सबका सहयोग रहा। अब तीसरी लहर के लोग बता रहे हैं, आशंका बता रहे हैं, WHO बता रहा है जो अक्टूबर तक बता रहा है, अक्टूबर तक साल के अंत में, अक्टूबर तक या अगले साल भी आ सकती है। उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं क्योंकि अब आपको किसी तरह का खतरा नहीं लेंगे, किसी तरह का झिझक नहीं है, अब पूरी तरह से तैयार है, पूरी है। कोरोना की आपदा में हर चिकित्सा कर्मी ने अपना 100% काम कोविड मरीजों की सेवा में लगा दिया है और दिन रात मरीजों की सांसें बचाने में जुटे नजर आ रहे हैं। दोनों युवा डॉक्टर जहां अपने काम के प्रति गंभीरता से जुटे हैं, वहीं कोविड वार्ड और ICU वार्ड, CCU वार्ड, गायनिक वार्ड और शिशु रोग वार्ड में इनकी सेवा भाव को देख ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना मरीजों की सेवा करने का उनके मन में जज्बा है। DCN लाइव परिवार डॉक्टर महेंद्र चौधरी और डॉक्टर AK सोनी के जज्बे, उनकी कर्तव्य परायणता, उनकी निष्ठा और उनके हौसले को दिल से सलाम करता है।